गुड इवनिंग मित्रांनो, तर सचिन भोसले ब्लॉक्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आता हरियाणातील करनाल सिटी मध्ये आहे। माझ्या पाठीम बघितलं तर हे करनाल सिटीचं मेन द्वार आहे, त्याला भगवद्गीता द्वार म्हणतात। आणि करनाल सिटीला करनाल सिटी का म्हणतात माहिती आहे? हे या सिटीमध्ये कर्णाचं जे महाभारतातील कर्ण होते त्यांच्या नावावरून या सिटीला नाव दिलं आहे। आता मी इकडे माझे मित्र आहेत धर्मेंद्र दादा, त्यांच्यासोबत पूर्ण करनाल सिटी आता संध्याकाळी 8:30 वाजले असतील त्यांच्यासोबत एक्सप्लोअर करणार आहे। हा मेन गेट बघितला तर हा माझ्या पाठीमाग द्वार आहे। ह्या द्वारातून करनाल सिटीला एंटर होतो। दाखवतो, वेट तुम्हाला व्यवस्थित दाखवतो आणि मग आपण जाऊया पुढे। इथं बघितलं तर भगवान विष्णूंची खूप अशी मोठी मूर्ती आहे आणि हेलो जी, अब हम करनाल सिटी में अंदर, यहाँ से कितना दूर है? अभी एंट्री हो गई करनाल में। अब एक करनाल का एक फेमस है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब वो चौक आएगा। और यहाँ पे रिसर्च होती है एनिमल पे, मुर्रा फैलो पे, काओ पे, अच्छे अच्छे सीमन प्रोवाइड करते हैं करनाल के किसानों को। बहुत बढ़िया, एक फायदेमंद है करनाल के लोगों के लिए। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग बहुत चलती है ना, वो चलती है, इसका बहुत फायदा मिलता है किसानों को। यहाँ पे हर हर महीने सेमिनार लगता है, एग्रीकल्चर के लिए नए नए मतलब बीज आते हैं। हाँ, अभी आप दिखाएंगे ना, बहुत सुंदर है यहाँ पे। चौक आएगा, पहला चौक आएगा। मुझे तो ये रोड बहुत अच्छा लग रहा है, कितना जबरदस्त रोड है ना, एंट्री जबरदस्त है। ये इस रोड पे है ना, सुबह 1 घंटे के लिए और शाम के 1 घंटे के लिए गवर्नमेंट इसको बंद करती है। हाँ, पब्लिक नहीं, पब्लिक वॉक के लिए आम आदमी यहाँ पे है ना पैदल घूम सके। मॉर्निंग में और शाम के 1 घंटा बंद रहते है। बहुत बढ़िया, ये एंट्री इतनी जबरदस्त है। ये करनाल स्मार्ट सिटी में आता है ना? स्मार्ट सिटी में आते हैं जी। हाँ, करनाल में क्या क्या घूमने के लिए है वो एक एक बताओ। सबसे पहले तो ये NDRI है जी, बहुत बढ़िया अच्छी चीज है। एक यहाँ पे कर्ण लेक है, महाभारत में कर्ण थे उनके नाम से कर्ण लेक है, वो है। ओके, और हम अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम पहले तो आएगा NDRI चौक, उसके बाद एक सबसे पुराना चौक होता है करनाल का, घंटाघर चौक बोलते हैं, फेमस बाजार वही, मेन बाजार वही है। ओ, घंटाघर चौक में कोई सा बिल्डिंग है ना, कोई सी ओल्ड, यहाँ पे मूर्ति है किसकी पता क्या? स्टार्टिंग से सबसे पहले करनाल का शहर वही बसा हुआ था, कर्ण राजा था, उसने अपनी बाउंड्री निकाली थी, उसके 13 गेट थे, 13 गेट थे उसके, वो वहीं से स्टार्ट होते हैं। ओके, करनाल बहुत अच्छा तो दिख रहा है, रात को तो उसकी क्या खूबसूरती और ही बढ़ गई है। हमें पता होगी, हमें प्राउड होता है जब करनाल का करनाल लेते हैं ना, कर्ण महाभारत में सबसे, मैं तो मानता हूँ श्रेष्ठ, हाँ सबसे श्रेष्ठ आदमी थे। एक यहाँ की फेमस एक लड़की थी कल्पना चावला, उसके नाम से गवर्नमेंट कॉलेज बनाया, आप सामने देख भी सकते हैं, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो हरियाणा की पहली लेडीज थी, हरियाणा के पूरे इंडिया की जो अंतरिक्ष में गई थी, उसके नाम से है। ये कौन सा चौक है? ये NDRI चौक बोलते हैं इसको, ये इधर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, ये एंट्री का इधर इधर है। हाँ, और ये है मेन NDRI एंट्री गेट, राष्ट्रीय दूर। हाँ, ये यहाँ पे कंपटीशन होता है, मेरा लगता है हर चीज, मतलब ये बहुत काफी जगह फैला हुआ है, 4 किलोमीटर ऐसे, 2 किलोमीटर ऐसे, इसके अंदर बच्चे है ना स्टडी करते हैं एनिमल पे, और ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सेल करते हैं। okay. मतलब बहुत बढ़िया, करनाल के लोगों के लिए बेस्ट है ये। नहीं, बहुत ऑल ओवर इंडिया से भी स्टूडेंट्स आते होंगे जो डेयरी फार्मिंग में आते हैं जी। ये सेंटर का है जी, ये बहुत बढ़िया है। मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे, मैं तो पूरा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए।
यहाँ पे है ना ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लिखा हुआ है करनाल। देखते हैं करनाल में क्या क्या है। ये सीधा ना हाईवे पे निकल गया जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है ना वहां निकल गया सीधा आईटी चौक बोलते हैं उसको। वहां पे जाके बनाते हैं साइड करनाल सिटी। ये अभी अंबेडकर चौक आएगा के अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है और ये अंबेडकर चौक है ये रहा अंबेडकर जी की मूर्ति यहाँ पे और मेरी राइट साइड में माल रोड है करनाल का माल रोड इसको माल रोड बोलते हैं। क्या क्या मिलता है यहाँ पे है ना ये करनाल में थोड़ा सा है यहाँ पे जो डीसी हो गया एसपी हो गया उनके यहाँ पे बंगले हैं यहाँ पे हाँ बाजार नहीं है उनके मतलब खोटी है यहाँ पे यहाँ पे रहते हैं एसडीएम एसडीओ डीसी एसपी डीएसपी उनके मकान रहते हैं यहाँ पे मुझे लगा दूसरे शहर में माल रोड रहते ना नहीं ऐसा नहीं है जी ये करनाल का ओल्ड बस स्टैंड है यहाँ पे आ गया मेरी राइट साइड में आराम से चलाना ये करनाल का ओल्ड बस स्टैंड है कल मैं यही उतरा था हाँ ये करनाल में तरिया काफी फेमस है स्टैंड ये दिल्ली से आती है यहाँ पे यही बस रुकती है अंदर सामान्य बस अड्डा दिखा इसके दो गेट है एक ये गेट है एक आगे गेट है ये पिछली साइड एक ये वो बैक से निकलती है एक ये गेट है यहाँ पे मैं जब आपके यहाँ आया था तो उस गेट से आया था हाँ यहाँ से एंट्री होती है पीछे से बैक निकलती है। अब ये जो रोड जा रहा है ये करनाल के मेन बाजार में जा रहा है जो मेन बाजार होता है करनाल का जहाँ पे फुल रश रहता है वहाँ पे रहता अभी थोड़ा रात का समय अभी कम से कम 9:30 का टाइम हो गया है अभी रश कम हो गया लेकिन मेन बाजार यहीं से स्टार्ट होता है। अभी मुझे एक बताओ भाई जी अभी करनाल में हमें खाना होगा कौन कौन से रेस्टोरेंट जबरदस्त है जैसे मटन के लिए है ना मटन के लिए जैसे एक ही फेमस है यहाँ पे घंटागढ़ चौक है सबसे पुराना चौक यहाँ पे पहलवान के नाम से है आपको दिखाऊंगा अभी बाकी आपको अगर साधारण करना है वैसे नॉर्मल दुकानें हैं लेकिन मटन के लिए फेमस यही है हरियाणा में थोड़ा मटन थोड़ा कम खाते हैं लेकिन जो भी खाते हैं यहीं पे आते हैं ये घंटाघर चौक है यही आना था मुझे हाँ यहाँ पे गड़ी यहाँ पे साइड पे लगा लो मैं यहाँ पे फोटो निकालने वाला हूँ यहाँ पे गड़ी है ये घंटाघर बहुत बार देखा है मैंने और ये अगले वाली मूर्ति क्या है ये क्या है ये इसको ना वाल्मीकि चौक बोलते हैं ये घंटाघर ये है यही देखना था इसके फोटो लेता हूँ बाहर ले ले क्या बोलते हैं घंटाघर चौक बोलते हैं इस पे टाइम चलता है इसमें 24 आवर ओके तुम्ही जर करनाल सिटी मध्ये असाल आणि तुम्हाला लोकल काहीतरी चांगले खायचं असेल तर इथं वधवा हॉटेल आहे जिथे लोकल फूड मिळतं करनालचं रोटे वगैरे मिळतात आणि इथलं चांगलं जेवण असतं लोकल फूड असतं त्यामुळे जबरदस्त वाटतं आणि मी धर्मिंदर भैयांसोबत आलो आहे ते मला इथे घेऊन आलेत आणि इकडं बघितलं तर इथे रोटे बनवले आहेत यांच्यासोबत मी आता धर्मिंदर भैयांसोबत जेवणार आहे ते बसलेत त्यांना दाखवतो छोटं आहे पण लोकल फूडसाठी चांगलं आहे इथं मी येऊन घेऊ शकतो बघू आता आपण ऑर्डर काय करतो आहे ते ऑर्डर देतील ते खाऊया ऑर्डर काय केली दाल मखनी यहाँ की हरियाणा की स्पेशल दाल मखनी और प्याज रोटी ओनियन हाँ यहाँ पे लोकल फूड मिलता है पता क्या अच्छा जो यहाँ का खाना है ना मसाला नहीं होता घर जैसा खाना होता है हम बाहर रेस्टोरेंट में होटल में खाएंगे ना मसाला बहुत होता है यहाँ पे घर जैसा खाना मिलता है ये कब से चल रहा है ये तो भाई मैं बचपन से आ रहा हूँ यहाँ हाँ जब मैं यहाँ पे 8 क्लास में करनाल आता था ना तब से आ रहा हूँ और 8 क्लास मेरी 2006 में थी और आज 2022 है आजचा ब्लॉग मी इथेच थांबवतो इथे
आजचा ब्लॉग मी इथेच थांबवतो. मी जेवायला गेलो होतो तिथे एका पंजाबी भावाने सगळा मूड ऑफ केला, त्यामुळे मी डायरेक्टली निघून आलो तिथून. आणि आता मी झोपतो आहे, गुड नाईट. जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तेवढा होईल तेवढा शेअर करा.